अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। गुजरात की 182 विधानसभा सीटा उत्ते 1 अते 5 दिसंबर नू वोटा पैनी है। वोटा तो पहला सियासी पार्टियां चोन प्रचार लई पूरी तरह सरगर्म ने। उधर आम आदमी पार्टी दे नेता अते पार्टी गुजरात दे सह इंचार्ज राघव चड्ढा ने भाजपा नू निशाने उत्ते लिया। राघव ने इल्जाम लाया कि सूरत पूर्वी सीट तो साढ़े उम्मीदवार कंचन जरीवाला नू भाजपा ने अगवा कर लिया। पहला भाजपा ने उन्हां दी नामजदगी पत्र नू खारिज कराउण दी कोशिश कीती, जदों उन्हां नू सफलता नहीं मिली ता उम्मीदवारी वापस लैण लई मजबूर किया गया अते हुण उन्हां नू अगवा कर लिया गया। राघव ने इस नू गुजरात च लोकतंत्र दी दिन दिहाड़े कतल दस्या। जब कानूनी कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी हो गई थी, जब कागज यानी कि नॉमिनेशन के पेपर्स और कैंडिडेसी रिजेक्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं था और स्क्रूटनी में सारे कागज पास हो गए, तो भाजपा के गुंडे हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को वहां से अपनी कस्टडी में ही किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले गए। दोपहर 1 बजे से कंचन जारीवाला साहब का फोन बंद है, उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता और बीजेपी के गुंडों ने हमारे कैंडिडेट को किडनैप कर लिया। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब विड्रॉल वाले दिन यानी कि आज और कल अपना नामांकन वापस ले लें। उन पर हर प्रकार का मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और ये सरेआम दिन दहाड़े जब भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार इलेक्शंस चुनाव चल रहा हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो, सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हो, मतदाता अपना मन बना रहा हो किस पार्टी को वोट देना है, किस पार्टी को वोट नहीं देना है, उस बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि आज उन्होंने हमारे सूरत ईस्ट के प्रत्याशी को अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया है। अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करेगी। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन्हें सूचना दे चुके हैं, लिखित में कंप्लेंट जा रही है। हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। किसी भी प्रत्याशी पर मानसिक, शारीरिक दबाव नामांकन वापस लेने का या नामांकन रद्द कराने का नहीं होना चाहिए और बीजेपी के काले कारनामे आप सबके सामने हैं। ये गुंडागर्दी का परिचय बीजेपी ने, जंगल राज का परिचय बीजेपी ने आज गुजरात की जनता के सामने रखा है। A South Asian Canadian Channel.